अगस्त 1931 एक नॉटिलस नाम की सबमरीन न्यूयॉर्क से दुनिया के आखिरी छोर अंटार्कटिका के काफी नीचे नए रहस्यों का पता लगाने के लिए निकली थी, जिस पर 20 क्रू मेंबर्स भी इन रहस्यों को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ठंडे तापमान को सहन करते हुए उनका यह लंबा सफर शुरू होता है। वे बर्फ के नीचे कुछ हफ्तों में हजारों किलोमीटर तक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका यह सफर इतने खतरों से भरा था जिनसे ना सिर्फ मिशन बल्कि पूरा क्रू खतरे में पड़ गया। तो आखिर उनके सफर पर ऐसा क्या हुआ और नॉटिलस सबमरीन का सफर कहां खत्म हुआ, जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर मुझे और मेरे काम को काफी मदद मिलती है। और मेक श्योर बेल आइकन को भी ऑन जरूर रखें जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम से डिलीवर हो पाए। अब आते हैं अपनी कहानी पर। तो ये वो समय था जब हमारे पास दुनिया के आखिरी छोर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। इसलिए कई सदियों से रिसर्चर्स यहाँ पहुँचने के लिए बार बार कोशिश करते रहते थे। सबसे पहले उन्होंने ठंडे तापमान और खतरनाक समुद्री बर्फ से जूझते हुए जहाज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके जहाज और जहाज को चलाने वाले अक्सर वहीं फंस जाते थे और उन्हें बचाने की बहुत कम उम्मीद होती थी। इसलिए रिसर्चर्स ने यहाँ पहुँचने के लिए डॉग स्लिट्स और पैदल चलने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। कई एक्सप्लोरर्स वहीं बर्फ में दफन हो गए। दोस्तों, आर्कटिक इतना परेशानियों से भरा हुआ था कि आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि नॉर्थ पोल की पहली अनडिस्प्यूटेड डिस्कवरी साल 1926 तक पॉसिबल नहीं हो पाई थी। अनडिस्प्यूटेड डिस्कवरी इसलिए क्योंकि आर्कटिक को जमीन से ऊपर हवा में डिस्कवर किया जा पाया था, क्योंकि मॉडिफाइड प्लेन को नॉर्थ पोल की जमीन पर लैंड कराना मुमकिन ही नहीं था। इसमें परेशानी ये थी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह कॉन्टिनेंटल लैंड नहीं है, यानी इसकी कोई जमीनी सतह नहीं है। यह आर्कटिक महासागर के बीच में लगभग हमेशा बर्फ से ढके पानी के बीच मौजूद है। तो एक्सपर्ट एक्सप्लोरर सर ह्यूबर्ट ब्लिंकन्स ने नॉर्थ पोल पर कदम रखने के लिए एक परफेक्ट योजना बनाई कि सबमरीन से आर्कटिक की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए और सबमरीन में भी लेटेस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट लगाए जाए जिससे हम इसे बेहतर ढंग से समझ पाएं और इसकी तरह तरह से वैज्ञानिक खोज कर पाएं। ब्लिंकन्स ने प्लान बनाया कि वो गर्मियों में सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले अटलांटिक पार करते हुए फिर आर्कटिक सर्कल तक जाएंगे, फिर वहां से उनका अभियान पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जो सफर लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। 6 हफ्ते तक बर्फ के नीचे रह के नॉर्थ पोल की जांच करेंगे और नॉर्थ पोल की किसी भी खुली जगह के माध्यम से गहराई से बाहर निकलेंगे और सारा डेटा इकट्ठा करके घर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर तो लग रहा होगा कि ये सफर तो काफी आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्लिंकन्स ने इस सफर को काफी हल्के में ले लिया था। खैर, ब्लिंकन्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस अभियान को अंजाम देने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और जहां से पैसे जोड़ सकते हैं वहां से जोड़ने लगते हैं। उन्होंने दिन रात इस अभियान के जगह जगह पर लेक्चर दिए और यहां तक कि अपने एम्बिशंस प्लान पर एक किताब भी लिखी, पर उसके बावजूद भी उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो इस अभियान को अंजाम तक पहुँचा सके, और उन्हें काफ़ी मदद की ज़रूरत थी। गर्मी का मौसम भी पास आता जा रहा था, पर नॉर्थ पोल की समुद्री बर्फ के नीचे सफ़र करना काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान भी था। असल में उन्हें अपनी वैज्ञानिक खोज को मीडिया सनसनी में बदलना था, इसलिए ब्लिंकन्स ने अखबार के एक दिग्गज विलियम रेडोल्फ हर्स्ट के साथ एक सौदा किया। असल में उस समय हर्स्ट एक सनसनीखेज प्रवृत्ति वाले इंसान थे जो अखबार में उनकी खबर को सभी अमीरों के पास पहुंचा सकते थे। सौदा एकदम आसान था। हर्स्ट को इस वैज्ञानिक खोज के एक्सक्लूसिव पब्लिशिंग राइट्स मिलेंगे और ह्यूबर्ट ब्लिंकन्स को अभियान के लिए फंडिंग मिलेगी। ज्यादा सेंसेशन पैदा करने के लिए हर्स्ट ने ब्लिंकन्स को दूसरे अभियान के साथ ध्रुव पर मिलने का प्लान बनाया था, जिसमें ब्लिंकन्स के बर्फ से निकलते ही एक बड़ा एयरशिप ग्राफ जेपोलिन उनके ठीक ऊपर से आसमान से उन्हें कैप्चर करते हुए उड़ते हुए जाएगा। ऊपर और नीचे से पोल की डिस्कवरी की कहानी अखबार और मीडिया से सब में फैल जाएगी। साथ ही अभियान सक्सेसफुली होने पर ह्यूबर्ट ब्लिंकन्स को $50,000 प्राइस मनी भी मिल जाएगी। यानी सौदा ये था कि ह्यूबर्ट ब्लिंकन्स दुनिया के वो पहले इंसान होंगे जिन्होंने नॉर्थ पोल को इतने नजदीक से स्टडी किया है, और हर्स्ट दुनिया के पहले इंसान होंगे जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले दुनिया में पब्लिश किया है। इसमें इन दोनों का ही फायदा था। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ तय हो चुका था। बस एक ऐसी सबमरीन चाहिए थी जो इस अभियान के लिए फिट हो सके, जिसके लिए ब्लिंकन्स ने नॉटिलस सबमरीन को चुना जो कि पहले विश्व युद्ध से रिटायर हो चुकी थी। अब इस सबमरीन को वो करना था जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, क्योंकि ये पूरा सफर खतरे से भरा हुआ था। इसलिए ब्लिंकन्स ने खतरे का अनुमान लगाते हुए फेमस नेवल आर्किटेक्ट सीमन लेक से इसमें कुछ बदलाव कराए थे, जैसे समुद्री बर्फ के टकराव से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए लेक ने नॉटिलस के बो भारी स्टील प्लेटों और कंक्रीट से मजबूत किया, और झटके को नरम करने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रभाव अवशोषक जोड़ा।
लेकिन ऊपर की बर्फ भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए लेक ने ऊपरी हिस्से में स्लेज धाबकों को भी फिट किया, जिससे वो टोबोगन की तरह बर्फ के नीचे फिसलने में सक्षम हो गए। साथ ही एक हाइड्रोलिक रिट्रैक्टेबल गाइड आर्म उपरोक्त खतरे से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और नॉटिलस कई दिन तक बर्फ के नीचे कैद रह सकता है। ऐसे में इसे हवा लेने के लिए और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन न होने से सबमरीन क्रू खत्म हो जाएगा। इसलिए लेक ने बर्फ में छेद करने वाली एक ड्रिल भी लगाई जो लगभग 20 फीट तक ड्रिल कर सकती थी। साथ ही टॉर्पीडो ट्यूब की जगह पर लेक ने एक प्रेशराइज्ड डाइविंग चैम्बर जोड़ा। यहाँ से क्रू मेंबर्स उपकरणों को समुद्र तल पर नीचे कर सकते थे या फिर गोता लगा सकते थे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि साइमन लेक ने सबमरीन में कई बदलाव किए थे जिससे नॉटिलस मिशन सक्सेसफुल हो सके। 16 मार्च 1931 को जैसे ही अभियान रवाना होने के लिए तैयार हुआ, विंकल्स ने रिपोर्टर्स के सामने एक बेहतरीन स्पीच दी। लेकिन अंदर ही अंदर विंकल्स बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सबमरीन में जो बदलाव किए गए हैं वो अननेसेसरी और खतरनाक भी थे, क्योंकि इसमें लगाए गए इक्विपमेंट्स अगर सही तरह से काम नहीं कर पाए तो सबमरीन बर्फ के नीचे ही फंस जाएगी। इसलिए विंकल्स ने ऊपर बर्फ की मोटाई मापने के लिए एक फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रिक सेल लगाने पर भी जोर दिया था, ताकि उन्हें पता चल सके कि सतह पर कहां जाना है। लेकिन साइमन लेक ने यह डिवाइस लगाने से साफ इनकार कर दिया। असल में नॉटिलस लेक की ही सबमरीन थी, उन्होंने ही इसे अमेरिकी नौसेना से लीज पर लिया था और किसी भी बदलाव पर आखिरी फैसला उनका ही था। बल्कि विंकल्स ने तो इसे सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए किराए पर लिया था। इसे लेक बार बार इस पुरानी सबमरीन में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हुए और विंकल्स के सबसे बुरे डर को पक्का करते हुए टेस्टिंग के दौरान ही बर्फ ड्रिल भी काम नहीं कर रही थी। और यह सब कुछ पता लगाने की कोशिश करने के लिए एक अलग इंजीनियरिंग फर्म को बुलाया गया था। समय भी लगातार निकलता जा रहा था, सप्ताह महीनों में बदल गए और विंकल्स को दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि नॉटिलस को नॉर्थ पोल पर ग्रह जेपोलिन से मिलाना था, तो समय सबसे जरूरी था। अभियान खत्म होने की कगार पर आ गया था और विंकल्स की सारी कमाई का पैसा और प्राइज मनी जाते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए जून 1931 तक विंकल्स का भी पेट भर चुका था। मैकेनिकल इश्यूज को इग्नोर करते हुए जल्दबाजी में सफर शुरू करने का फैसला ले लिया गया, पर यह सफर हद से ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ था। 20 लोगों के क्रू मेंबर्स के साथ सबमरीन न्यूयॉर्क से रवाना होती है। न्यूयॉर्क से निकलने के कुछ दिनों में ही भयंकर उत्तरी अटलांटिक तूफान के कारण छोटी सबमरीन आसानी से इधर उधर उछल रही थी और अब तक क्रू को भी पता चलने लगा था कि यह सबमरीन उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी। शुरुआत से ही सबमरीन काफी तंग थी, ऊपर से प्रोजेक्ट के लिए सारा सामान भरा हुआ था जिस वजह से जगह कम बची थी। साथ ही 20 आदमियों के लिए 2 गरजते डीजल इंजनों के बीच खुले में एक ही टॉयलेट था। क्रू मेंबर्स को अपना पूरा दिन खड़े होकर बिताना पड़ता था, क्योंकि वहां बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। आराम करने के लिए भी केवल मुट्ठी भर चारपाई ही थी। विंकल्स ने हस्ट को परेशानियों से भरे इस सफर का दस्तावेजीकरण करते हुए रेडियो अपडेट भेजना शुरू किया। सबमरीन पर सवार लगभग सभी लोग बीमार थे और जब नॉटिलस का ब्लीच पंप भी खराब हुआ तो क्रू के पैरों के आसपास सीवेज, तेल और उल्टी तैरने लगी। लेकिन जैसे जैसे छोटी सबमरीन भयंकर अटलांटिक ओशन में पहुंची तो हालात और ज्यादा बदतर हो गए। अपने 2 इंजनों में से एक को बंद करने के लिए मजबूर होने के कारण नॉटिलस केवल लंगड़ा कर ही आगे बढ़ सकता था। सफर के एक हफ्ते बाद 13 जून को नॉटिलस ने रेडियो अपडेट भेजना भी बंद कर दिया था। कई दिनों तक किसी को भी सबमरीन और उसके क्रू के बारे में कोई अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। फिर 15 जून को बैटरशिप वायोमिंग ने नॉटिलस को अजोरस से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आर्कटिक की दूसरी दिशा में बहते हुए खोज निकाला। असल में सबमरीन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और बैटरीज भी खत्म हो गई थी। विंकल्स को इस वजह से अपनी सबमरीन को अटलांटिक के बाकी दूसरे हिस्से में खींच कर ले जाने के लिए अपमान का सामना करना पड़ा था। उससे भी बदतर, क्रू के 4 मेंबर्स ने नौकरी छोड़ दी थी और नॉटिलस को एक बार फिर बड़ी मरम्मत की जरूरत पड़ी थी, जिस वजह से यूएसए में ही मरम्मत में ही काफी हफ्ते लग गए। इसका मतलब था कि ग्राफ जेपोलिन एयरशिप जो नॉर्थ पोल पर उन्हें कवर करेगा उसे पकड़ने के लिए अब समय कम बचा था, जिस वजह से विंकल्स हस्ट की प्राइज मनी का दावा नहीं कर सकते थे। ऊपर से मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया था और ऐसी सुर्खियां चलने लगी थी जिनमें खुलेआम उनके अभियान का मजाक उड़ाया जाने लगा था। उनकी सबमरीन काम नहीं कर रही थी, उनका क्रू भी बहुत कमजोर हो चुका था और सर्दियां बहुत तेजी से आ रही थी। इस पॉइंट तक ह्यूबर्ट विंकल्स की जगह अगर कोई और होता
तो शायद हार मान चुका होता, लेकिन ये सर ह्यूबर्ट ब्लिंकन्स थे। निर्धारित समय से महीनों पीछे ब्लिंकन्स आगे बढ़ने को अब भी तैयार थे। 28 जुलाई को अभियान नॉर्थ पोल के लिए रवाना हुआ और नॉटिलस अभी भी काफी परेशानी से घिरा हुआ था, लेकिन अब तक क्रू को चलते फिरते मरम्मत की आदत हो चुकी थी और किसी भी बड़ी परेशानी को निर्धारित स्टॉप के दौरान ही ठीक कर लिया जाता था। 15 अगस्त तक नॉटिलस आर्कटिक से पहले आखिरी रहने लायक जमीन पर पहुंचा और ब्लिंकन्स ने भी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेजी। 19 तारीख तक नॉटिलस पहले आइस फ्लो तक पहुंच चुका था। जश्न मनाने के लिए लोगों को तंग परिस्थितियों से छुट्टी मिल गई और उन्होंने वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और घर वापस आकर हर्ष ने फैसिनेटिंग नई डिस्कवरीज के बारे में बताया, जैसे सतह के नीचे पानी की एक गर्म परत जिसे मौसम की भविष्यवाणी के लिए जरूरी माना जाता है। बर्फ में एक हफ्ते सफर करने के बाद नॉटिलस 82 डिग्री उत्तर में पहुंचा, जहां उस समय तक कोई भी जहाज अपनी ताकत के दम पर नहीं पहुंच पाया था और सबमरीन की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि विंकल्स वास्तव में बर्फ के नीचे 1000 किलोमीटर का सफर करेंगे। लेकिन जैसा कि दुनिया ने विंकल्स की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, नॉटिलस में चीजें वैसी नहीं थी जैसी भी दिखती थी, क्योंकि असल में क्रू मेंबर्स थके हुए थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। साथ ही नॉटिलस में कोई गर्मी या इंसुलेशन देने वाली डिवाइस नहीं थी, चारों तरफ नंगे मेटल से बनी सबमरीन लगातार उनकी हालत खराब कर रही थी। फूड पॉइजनिंग और सबमरीन के पाइपों में टाका लगाने वाले शीशे की मात्रा बढ़ने से क्रू लगातार बीमार होता जा रहा था। सीजन के एंड में पोल तक जाने का प्रयास करना बहुत खतरनाक हो रहा था और बिना किसी खतरे के हर कोई घूमकर घर वापस जाना चाहता था। 22 अगस्त को विंकल्स को छोड़कर सभी को बर्फ के नीचे गोता लगाने का आदेश मिला, लेकिन नॉटिलस भी इस लायक नहीं बची थी। असल में डाइविंग रेडार वो मैकेनिज्म है जो पानी के भीतर वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करता है, वो चल ही नहीं रहा था। विंकल्स ने चेक करने के लिए एक गोताखोर भेजा और वह जल्दी ही एक आश्चर्यजनक खोज के साथ लौटा। उसका कहना था कि रेडार वहां है ही नहीं, हो सकता है कि वो कहीं पर गिर गया हो और किसी ने ध्यान न दिया हो, या शायद जैसा कि विंकल्स को डर था कि क्रू ने अभियान को जल्दी खत्म करने की कोशिश में सबमरीन में तोड़फोड़ की हो। अब इस पॉइंट तक हर्स्ट भी पब्लिकली विंकल्स से घर लौटने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट मैसेज से हर्स्ट कॉरपोरेशन विंकल्स पर अपने समझौते को याद दिलाते हुए पोल पर बने रहने का दबाव भी डाल रहे थे। अब यहाँ पर विंकल्स को आखिरी फैसला लेना था कि या तो कुछ फेलियर और फाइनेंशियल बर्बादी के बाद घर लौटें, या आगे बढ़ें और क्रू की लाइफ को जोखिम में डालें। 31 अगस्त को विंकल्स ने गिट्टी की टैंकों में पानी भरने और ट्रिम को 2 डिग्री नीचे सेट करने का आदेश दिया, जिससे नॉटिलस बर्फ के नीचे घुसकर डूब जाएगा, यानी सबमरीन पोल की तरफ आखिरी सफर के लिए निकलती है। नॉर्थ पोल के नीचे स्लेज चलाने वाले को बर्फ से रगड़ने की आवाज ऐसी लगती थी कि जैसे नॉटिलस को बीच से फाड़ा जा रहा हो। ब्लिंकन्स अब तक समझ चुके थे कि वो सबमरीन को पोल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हार न मानते हुए वो एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। ब्लिंकन्स द्वारा बर्फ ड्रिल के टेस्ट का आदेश देने से पहले वे कई किलोमीटर तक आगे बढ़े। घंटों तक क्रू ने केवल कुछ फीट बर्फ को पार करने के लिए नाकाम कोशिश की। हर बार साइमन लेक की पेटेंटेड ड्रिल जाम लगने से पहले केवल इतनी ही दूर जा पाती थी। और फाइनली 6 सितंबर को ब्लिंकन्स ने रेडियो मैसेज भेजा, जिसकी अब तक हर कोई उम्मीद कर रहा था। ब्लिंकन्स नॉटिलस को वहां ले गए जहां आज तक कोई भी सबमरीन नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन किसी को भी बर्फ के नीचे आर्कटिक को सक्सेसफुली पार करने में 3 दशक का और समय लगेगा, क्योंकि एक ही नाम वाला न्यूक्लियर पावर से चलने वाला यूएसएस नॉटिलस एक बार में कई हफ्ते तक पानी में डूबा रह सकता है। इसने ही 1958 में पहला पोलर क्रॉसिंग रिकॉर्ड बनाया था और भारी धूमधाम के साथ घर लौटा था। विंकल्स की छोटी नॉटिलस सबमरीन अब नॉर्वे के तट पर समुद्र तल पर डूबी हुई है, क्योंकि क्रू के आर्कटिक से लौटने के बाद नॉटिलस सबमरीन को इतना घिसा पिटा और क्षतिग्रस्त समझा गया कि उसे ठीक करना सही नहीं था और इसे जानबूझकर डुबा दिया गया। नॉटिलस अभियान से पहले विंकल्स को 20वीं सदी के महानतम खोजकर्ताओं में से एक माना जाता था, क्योंकि इन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल्स के बारे में हमारी समझ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके आखिरी अभियान ने उन्हें आर्थिक रूप से इतना बर्बाद कर दिया और इतिहास द्वारा काफी हद तक भुला दिया गया। 77 साल की उम्र में उनके निधन के बाद विंकल्स की आखिरी इच्छाएं पूरी हुई जब यूएसएस का एक दल स्कैट ने उनकी राख उत्तरी ध्रुव पर बिखेर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।